नमस्कार दोस्तों, बहुत दिन पहले मैंने ये छोटा सा एक किचन गार्डन किया था और मुझे काफ़ी प्रॉम्प्टिंग मिल रही थी कि किचन गार्डन का कुछ दिखाने के लिए। तो ये है मेरा छोटा सा गार्डन जिसमें किचन गार्डन भी है, फ्लावर्स भी है। सो यू जस्ट सी, ये मैंने आलू उगाया है इसमें। ये आलू है, आलू का पौधा है। और ये जो आलू मैंने थोड़े दिन पहले एक छोटा सा आलू मुझे मिला था जो मैंने बोया था, लाइक आई हैड सोन द आईज ऑफ द पोटैटो, तो उससे मिला था मुझे एक छोटा सा आलू। तो मैंने फिर से आलू इसमें डाला तो यहाँ से यहाँ पे आलू का पौधा निकला। और ये गेंदे का पौधा है, वो गणपति के समय बहुत गेंदे का फूल लाई थी मैं, तो उसमें फूलों को मैंने झार में ही डाला था तो कंपोस्टिंग हो गई और वहाँ से थोड़ा सा निकला है। और ये मनी प्लांट है, ये एक लकी बैम्बू प्लांट है विच इज़ वेरी ओल्ड, लेकिन फिर भी चलता है क्योंकि उसका डिज़ाइन मुझे अच्छा लगता है। मैंने इसको अभी तक जिया के रखा हुआ है। और ये है, दिस इज़ अ आमंड प्लांट, वो जो बादाम का झाड़ है, प्लांट पौधा है, वो मैंने बादाम से ही उगाया है। और ये एलोवेरा है, एरिका प्लांट, एरिका पाम, ये एक दो ये और यहाँ पे एक छोटा सा है। और दिस इज़ अ मनी प्लांट। और यहाँ पे भी एक आलू का पौधा आया, देखिए ये वाला आलू का पौधा है ये वाला। और ये एरेनियम है, इससे काफ़ी फूल आती है, अभी थोड़े दिन के लिए नहीं आ रही है लेकिन आती है, बहुत बहुत सारा फूल मिलता है। और ये ऐसी मोरपंख कहते हैं इसको, बट ये ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा है अभी। और ये यहाँ पे मैंने एक करी पत्ता का पौधा लगाया था और ये करी पत्ता है। और ये दिस इज़ अनादर मनी किचन गार्डन प्लांट, दैट इज़ इट्स अ वेजी ग्रीन वेजिटेबल दैट वी ईट, इसको पुई शाक बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज़ कॉल्ड इन हिंदी, लेकिन खाने में अच्छा होता है। और ये ए रोज़ प्लांट है, ये देखिए इसका रोज़, दिस इज़ द टाइप ऑफ रोज़ आई गेट फ्रॉम हियर। और ये चार पांच आया था, तो पहले जो दो तीन आए वो इतने माने इसका असली चेहरा निखर के नहीं आया था, अभी आया है ये। इसमें भी थोड़ा हमको लगता है इसमें धक्का लगा होगा तो इसलिए वो नहीं कर पा आगे बढ़ रहा है। और दो तीन मैंने निकाल के भगवान के चरणों में कल डाला था, कल परसों ऐसे करके। और इतना ही है मेरा छोटा सा किचन गार्डन, दिस इज़ माई किचन गार्डन। और ये एक मोरपंख है जो मैंने बहुत साल पहले लगाया था, फिर मैंने सोचा इसको थोड़ा सा मैं छाट दूँ तो शायद वो बढ़ेगा, लेकिन बढ़ ही नहीं रहा है। और ये देखिए, ये सारे कबूतरों का, ये लोग यहाँ पे कहाँ कहाँ से लाके सब ट्विग्स जमा कर रहे हैं घर बनाने के लिए, इनको एग्स ले करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि कैसे इन लोगों को स्टॉप करूँ, कुछ कर ही नहीं पा रहे। और इतना ही है मेरा छोटा सा गार्डन, दिस इज़ माई किचन गार्डन विच आई हैव सम प्लांट्स, वेजिटेबल्स, एलोवेरा मेडिसिनल प्लांट, दिस इज़ ऑल्सो करी पत्ता, स्वीट नीम व्हाट यू कॉल इट, देन आई हैव सम रोजेज, आई हैड सम मोर ऑल्सो, बट दैट दोज प्लांट्स डिड नॉट, वो सारे प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाए। येलो कलर का एक रोज था, वो भी नहीं ग्रो कर पाया। तो आज इतना ही, आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे प्लीज़ एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ कमेंट करना कि किस तरह का वीडियो आपको चाहिए, क्योंकि
गार्डनिंग के लिए मेरे पास कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, और कुछ अगर आप बोलेंगे तो मैं ज़रूर करूँगी, और आप लोग के कमेंट से मुझे मोटिवेशन भी मिलती है। बाय।